So hello everyone, my name is Parthesh Parekh. I am a physics teacher. Today we are going to discuss chapter number 1, electric charge and electric field exercise problem. Okay, so the problem number 1.3 is given that check that the ratio k square upon g me mp is dimensionless and determine the value of this ratio. ओके तो यहाँ पे हमें एक रेशियो दिया हुआ है के स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन. ओके एंड के इज नथिंग बट इट इज द फोर्स कांस्टेंट एंड ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके सो क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, पहले ये फिजिकल क्वांटिटी जो रेशियो है वो लिख देते हैं के स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई इंटू एम पी. ओके so k is nothing but it is the force constant which is from the equation coulomb force. okay so coulomb force is nothing but it is k q1 q2 upon r square. so यहाँ पे k को यहाँ पे लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे f into ये cross multiplication होगा f into r square divided by q1 q2. चलो अब ये जो सब फिजिकल क्वांटिटी जो है बराबर इसके यूनिट लिखेंगे इंडिविजुअली. तो एफ जो है फोर्स है वो न्यूटन में मेजर होता है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा न्यूटन. और आर है तो आर क्या है इट इज द डिस्टेंस तो डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मीटर स्क्वायर. ओके डिवाइड बाय यहाँ पे देखो चार्ज है क्यू वन एंड क्यू टू सो चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कूलम तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा कूलम सो कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ कूलम स्क्वायर. ओके सो ये क्या आ गया फोर्स कांस्टेंट का यूनिट आ गया बराबर. तो ये क्वांटिटी ये सारे यूनिट को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. इससे पहले ई जो है ई क्या है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का. ओके तो यहाँ पे हमें चार्ज का यूनिट लिखना है तो चार्ज का यूनिट क्या आएगा कूलम लेकिन यहाँ पे क्या है कूलम स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे इसको ई स्क्वायर कूलम स्क्वायर. ओके तो ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गई. सेकेंड थर्ड क्वांटिटी जो है वो क्या है जी. सो जी इज नथिंग बट इट इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. ओके सो इट इज कैम फ्रॉम द इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. ओके तो यहाँ पे जी को ऑब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा एफ इन टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन इन टू एम टू. ओके नाउ सिमिलरली दिस प्रोसीजर वी कैन अप्लाई हियर. सो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन आर मीन्स डिस्टेंस है तो वो किस में मेजर होगा मीटर में यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे. और यहाँ पे देखो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे क्या है मास दिया हुआ है तो मास मेजर्ड इन किलोग्राम लेकिन यहाँ पे दो मास है एम वन एंड एम टू ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग मास है बराबर. तो हम क्या लिखेंगे किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर. ओके चलो देन क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन. तो ये जो है तो आपको पता है कि मास ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम. तो यहाँ पे हम सब जो फिजिकल क्वांटिटी है और कांस्टेंट जो है बराबर इसको हम यूनिट में रिप्लेस करेंगे. ओके सो के इज नथिंग बट इट इज न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और यहाँ पे कूलम स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस टू लिख सकता हूँ इसको. ओके और ई सो ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसको मैं क्या लिखूंगा कूलम स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या है इसकी यूनिट की वैल्यू सॉरी इसका यूनिट क्या है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर तो क्या लिखूंगा केजी माइनस टू क्योंकि केजी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस टू. ओके देन मास ऑफ द प्रोटॉन मेजर्ड इन किलोग्राम यस एंड मास ऑफ द प्रोटॉन मेजर्ड इन किलोग्राम. ओके सो ये किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा. ओके तो मैं इसको क्या लिखूंगा सिर्फ यहाँ पे केजी स्क्वायर. चलो तो यहाँ पे देखो ये दोनों कट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस टू ये प्लस टू कैंसिल आउट ये माइनस टू ये प्लस टू कैंसिल आउट और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट. तो फाइनली यहाँ पे क्या मिला मुझे ये पूरा जो रेशियो जो है वो क्या मिला मुझे डायमेंशनल लेस. ओके देयर इज नो यूनिट मीन्स नो यूनिट. ओके
ओके, तो आपको ये ऐसे प्रूफ करना है। देन इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ओके, तो वैल्यू कैसे निकालनी है देखो, तो आपको पता है कि सब जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ओके, ये रेशियो जो है इसमें कॉन्स्टेंट है बहुत सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो के है, ये क्या है, के क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 9 × 10⁻¹। ओके, और इसका यूनिट क्या था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ओके, देन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है हमें पता ही है, 1.6। तो पहले क्या लिखूंगा, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बराबर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.6 × 10⁻¹⁹। और चार्ज ऑलवेज मेजर्ड इन कूलम्ब, सो यहां पे मैं यूनिट क्या लिखूंगा, कूलम्ब। चलो दूसरा क्या है यहां पे, यस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां पे पहले लिखूंगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आप पता है ऑलरेडी, 6.67 × 10⁻¹⁰। सॉरी, इसका यूनिट क्या था, दैट इज हियर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, सॉरी केजी स्क्वायर। ओके, चलो दूसरा क्या है यहां पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन। ओके, सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है ये वैल्यू क्या है, 9.1 × 10⁻¹³ केजी। ओके, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन, सी दिस, सो मास ऑफ द प्रोटॉन आपको पता है क्या है, दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। चलो ये सारी जो वैल्यू है, ये कांस्टेंट की और ये फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी सारी वैल्यू यहां पे रखो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, देखो सारी वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। चलो, सो फाइनली हमें आंसर क्या मिलता है देखते हैं। सो यहां पे आपको वैल्यू रखनी है, k इज नथिंग बट इट इज 9 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, डिवाइड बाय जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻¹²। ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज नथिंग बट इट इज 9.1 × 10⁻¹³। देन मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज नथिंग बट इट इज 1.67 × 10⁻²⁷। ओके, सो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो तो That is 2.287 × 10⁻¹⁹. 2.287 × 10⁻¹⁹. पर ये क्या आएगा, यूनिट लेस आएगा, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा जो रेशियो है ये क्या है, यूनिट लेस है, इसलिए हमने ये बात प्रूफ किया। ओके, सो ये जो रेशियो है ये क्या इंडिकेट करता है, सो सपोज ये जो रेशियो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर की जो टर्म है उसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और नीचे की जो टर्म है उसको भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ऊपर की जो टर्म है वो क्या इंडिकेट करती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स मींस कूलम्ब फोर्स, और नीचे की जो टर्म है वो क्या इंडिकेट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।